मेरा ये शर्ट जो है ये पूरी तरीके से मतलब ख़राब हो चुका है। इसका नीचे वाला हिस्सा पूरा वाटरी वाटरी हो चुका था, तो मैंने उसको फाड़ दिया और यहाँ पर इनको मैंने दोबारा से वाइट पेपर लगा दिया है। ये साइड रहता है, मैं इसको भी लगा दूँगी। सो मैंने दूसरा कार्डबोर्ड लिया, मैंने सोचा कि ना नया शेल बनाती हूँ, बट मुझे ये वाला शेल भी चाहिए था क्योंकि देखिए मैंने इसको कितने प्यार से डेकोरेट किया हुआ है। सो मैं अभी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करूँगी और इसकी शेल्फ़ बनाऊंगी। तो ऐसे आप लोगों को भी ना इसका ट्यूटोरियल आप लोग कह रहे थे शेल्फ़ का, सो आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा और मेरी ये मतलब इतनी बड़ी सी शेल्फ़ हो जाएगी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी कि ये वाला मेरा शेल्फ़ चला जाएगा, बट मुझे ये आइडिया आया। सो रुके मैं आपको इसको ना एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके दिखाती हूँ। सो गाइस इसको मैं कुछ इस तरीके से स्टैक करने वाली हूँ एक दूसरे के ऊपर। ये वाली साइड मैं कटआउट कर दूँगी और इनको ऐसे करके पेस्ट कर दूँगी और बाकी का जो बॉक्स है उसको मैं पूरी का पूरा शेल्फ में ट्रांसफर कर दूँगी। सो चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरली चाहिए होंगी। सो चले आपको मैं दिखाती हूँ। सो फर्स्टली आपको चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। आपने जितना शेल्फ बनाना है उतना बॉक्स ले लेना है। सो मैंने इतना बड़ा मुझे शेल्फ बनाना था तो मैंने उतना बॉक्स ले लिया है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है वो है वाइट पेपर्स, क्योंकि वाइट पेपर से हम कवर करने वाले हैं अपने इस पूरे कार्डबोर्ड को। आप कलरफुल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड वाइट पेपर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देता है। सो थर्ड थिंग जो हमें चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वो है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पेपर ग्लू। मैं मतलब आप कोई भी कार्डबोर्ड वाला पेपर ग्लू ले सकते हैं जिससे मतलब कार्डबोर्ड की बाइंडिंग हो। और ये बड़ा वाला है और आपको ऐसी छोटी वाली भी मिल जाएगी सस्ती सी, और ये दोनों सेम ही हैं बट एक छोटा है एक बड़ा है। सो मैं तो ये बड़ा वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वाला मेरा ख़त्म हो चुका है। सो आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी ग्लू चाहिए होगी, बट मैं आपको टिप टॉप रिकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़बूत ग्लू है और ये कार्डबोर्ड को भी सही से चिपका लेती है और जल्दी सूख जाती है। सो थर्ड थिंग जो हमें चाहिए है वो है एक सीज़र, क्योंकि बेसिकली हमें पेपर को कट भी करना होगा और सीज़र भी हो सकता है और स्केल भी हो सकता है क्योंकि पेपर को परफेक्ट सीधा कट करने के लिए हम सीज़र भी यूज़ करेंगे और स्केल भी यूज़ करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए हैं। सो चले अभी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें हम अपनी बुक शेल्फ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी बहुत ही ज़्यादा खुली खुली वर्किंग प्लेस में आ चुकी हूँ जिससे मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैं कट कर लेती हूँ और इसमें मैंने सारा सामान डाला हुआ है और ये मेरी पुरानी वाली शेल्फ पड़ी हुई है। सो अभी मैं इसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम यहाँ से ये वाला काटते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। मैं आपसे मिलूँगी इसको कट करने के बाद। तो मैंने इसको कर लिया है यहाँ से कट और इसके साथ ये भी कट हो गया है, मतलब सही है। तो अभी जो हमने मेन काम करना है वो है ये जो इसके साइड वाले हैं ना, इन सबको हमने कर लेना है बारीकी से कट, सही है। हमने इन सबको अच्छे से कट कर लेना है और इसके जो बॉक्स के अंदर वाला ये है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने इसको भी यहाँ तो ऐसे करके फोल्ड करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे या तो हमें इसको भी काटना होगा, पर मेरे ख्याल से पेस्ट करना ज़्यादा सही होगा। सो हम इसको कर लेंगे पेस्ट। तो अभी तो हमने बस इसको कट करना है, ये जो नीचे वाला भी है और ये वाला भी है। तो मैं आपसे मिलूँगी इन सबको कट करने के बाद। तो मैंने कर लिया है सबको अलग अलग से कट, और हाँ याद रखना इनको फेंकना नहीं है, इससे ही हमारे जो ये वाले रैक हैं बुक शेल्फ के वो बनेंगे। तो अभी मेरा जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। सो मैं इसको काटने वाली हूँ ना, बस इसको हम ऐसे करके पेस्ट करने वाले हैं, सही है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट करूँगी और अभी जो ये हैं हमने इस पूरे बॉक्स पर चढ़ाना है वाइट पेपर। तो जल्दी जल्दी से इस पे वाइट पेपर चढ़ाते हैं।
तो गाइस मैंने इसे पूरा वाइट पेपर से जो है वो मैंने कवर कर लिया है इसको हर साइड से। सो अभी मैं इसके ऊपर जो अपना शेल्फ है उसको अटैच करूँगी, जो ये वाला शेल्फ है। सबसे पहले मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। और हाँ परफेक्ट, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। सो अभी मैं जल्दी से जो ये वाला मेरा ऊपर वाला शेल्फ है इसको मैं इस वाले शेल्फ पर अटैच करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। सो गाइस मैंने उसे अटैच कर दिया है अपने बुक शेल्फ को, और जो आप मेरे पीछे देख रहे वही है। सो आपको मैं अभी रिवील करने वाली हूँ इन 3, 2 and 1। ओएमजी कितनी बड़ी बुकशेल्फ बन गई। अब बस मुझे इसके ये छोटे छोटे से रैक्स बनाने हैं, और जैसे कि मैंने बोला था कि हम रैक्स बनाएंगे इन कार्डबोर्ड के पीसेस से। लिटरली रात के 2 बज रहे हैं और अभी मैं यहाँ पे बैठ के ये काम कर रही हूँ। और सो अभी हम इसका पहले साइज ले लेते हैं, मैंने कितने कितने रैक बनाने हैं। तो एक रैक में बनाऊंगी इतना, सही है ना, सही लग रहा है। हाँ इतना बनाऊंगी एक रैक जो के है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हाँ इतना सही है। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास 2 कार्डबोर्ड है मैं इनको एक दूसरे के ऊपर स्टिक करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लू। सो अभी मैं इनको जल्दी जल्दी से स्टिक करते हैं। सो मैं आपको क्लिप क्लिप इसीलिए दिखाऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको शॉर्ट में मतलब सब कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं आपको सब कुछ बनाते हुए नहीं दिखा रही, मैं उसका इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली बता रही हूँ कि वो चीज़ कैसे बनेगी। सो ये तो ग्लू लगाना है, ये तो आप लोग खुद ही लगा सकते हो, बट अभी वीडियो को बनूंगी और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इनको मैं कैसे पेस्ट करने वाली हूँ। और मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल सुन हो रहे हैं, क्योंकि इन पर इतनी ज़्यादा ग्लू लगी है, इतनी ज़्यादा ग्लू लगी है क्या बताना है। सो अब मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट करूँगी, सही है, मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लिया और ये बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुका है। और इसको हम ऐसे ही नहीं पेस्ट करेंगे, ऐसे इसके ऊपर हम चलाएंगे पहले वाइट पेपर, और उसके बाद बस हमने इसको ग्लू लगानी है और थोड़ी देर के लिए ऐसे करके छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे हमारा ये रैक बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और दूसरा रैक बनाने के लिए हमें बस ये एक चाहिए होगा, हमने बस इसका एक साइज़ ले लेना है। सही है, इतना साइज़ है, मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये चेन है मेरे मोबाइल की, सही है। सो इतना साइज आ रहा है आपका जो बॉक्स है, मतलब आपको अपनी एक बुक रखनी है और उसके हिसाब से आपने अपने रैक्स देखने हैं कि कितने के बनाने हैं। सो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ग्राइंड करना। सो मैं फिर से इसका ले लेती हूँ साइज़। सो साइज आ रहा है इतना हमारे ये साइज आ रहा है कार्डबोर्ड। सो हम इसको डबल करेंगे, सो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, और फिर हमने इसको ईजी पेस्ट कर देना है, फिर हम इसे बनाते हैं रैक को नसा नहीं। तो अभी हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके इस रैक को पहला वाला रैक आएगा यहाँ पे, दूसरा वाला रैक आएगा यहाँ पे, परफेक्ट हो गया। अभी मैं इनके ऊपर वाइट पेपर चढ़ा के आपको मिलती हूँ। सो गाइस मैंने जो है किधर गया मेरा येरा, सो मैंने इस पर पूरा वाइट पेपर लगा दिया है, और मैं यहाँ पर अपनी एक बुक लेकर आ चुकी हूँ जिससे मैं ना साइज देख रही हूँ कि कितने का हमने लगाना चाहिए। सो मैंने सोचा है कि जब हमारा बुक आया मेरा सॉरी टूटे अगेन, तो यहाँ तक तो नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे हमें इसको परफेक्ट है, हमें इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। देख मैं माफ़ी करूँगी, तो हमें यहाँ पर ग्लू कैसे लगाना है अब मैं आपको बताती हूँ। सो हमने जो है, सही है, हमने पहले एक साइड सेलेक्ट करनी है। अभी मैंने ये ग्लू लेना है और यहाँ पर जो इसकी साइड्स है ना वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरह से लगा देना है। सो गाइस मैंने इसके तीनों तरफ मैंने इसका ग्लू लगा दिया है, और हमारी जो मार्किंग थी नज़र नहीं आ रही है। सही है, मैंने यहाँ से ग्लू लगाना है। अभी हमने बुक शेल्फ पर भी अलग से ग्लू लगाना है जैसे मजबूती वाला काम हो। सही है, मैंने यहाँ पर भी ग्लू अच्छी तरह से लगा दी है, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भी मैं अच्छी तरह से ग्लू लगा रही हूँ। सही है,
गाइस मैंने इसको कुछ इस तरीके से सेट किया है इस पूरे शेल्फ़ को, और ये यहाँ पर मैंने इसीलिए ऐसे रखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा था तो ये बुक शेल्फ नीचे बैंड हो रहा था, तभी मैंने इस पर ऐसे करके बुक्स रखी हैं। बट बहुत जल्द मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूँगी। सो ये है हमारा बुक शेल्फ़ का फाइनल लुक, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।